अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, इट इज ऑफ ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द लेफ्ट ड्रेनेज। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इंडिविजुअली इन तमाम टॉपिक्स पे, यानी कि इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल फीचर्स, स्ट्रक्चर्स विद द पैरेटल ग्लैंड, इन सब पे सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं ऑन माय चैनल, तो आप जाके उनको भी देख सकती हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमने बता दिया, मैंने आपको फोर्थ टॉपिक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं हमारी ब्लड सप्लाई को। ठीक है, सो ब्लड सप्लाई जो पैरोटिड ग्लैंड की, उसमें दो मेन चीजें आती हैं, आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। सो आर्टेरियल सप्लाई हमारी ECA यानी कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्रोवाइड करती है, और इसी तरह हमारी वेनस ड्रेनेज जो है वो हमारा JV यानी कि हमारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन कर रहा होता है। ये बस बहुत सिंपली था। अब आते हैं बेसिक या मेन टॉपिक पे, विच इज द नर्व सप्लाई, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसको समझ लेंगे वो तो जल्दी आ जाएगा। अब हमारा जो पोन्स है, यानी कि पोन्स के हमारा ब्रेन के अंदर, और वो भी हमारे मिड ब्रेन में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा पड़ा होता है इन्फीरियर सिलाइवेटरी न्यूक्लियस, जो सिलाइवा की प्रोडक्शन में, क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये एक सिलिवरी ग्लैंड है, तो सिलाइवेटरी न्यूक्लियस जो है वहां पे जो पड़ा हुआ है, उधर से निकलती है एक ब्रांच जिसका नाम होता है, ये जो नर्व निकलती है उसको हम कहते हैं ग्लोसोफरिंजियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। तो ये जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व निकल रही है बाहर, यहां से ओरिजिनेट होती है टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है, और टेम्पोरल ब्रांच आगे जाके बनाती है टेम्पोरल प्लेक्सस, और टेम्पोरल प्लेक्सस आगे गुजरता है लेसर पेट्रोसल नर्व से कहाँ पे, ऑर्टिक गैंग्लियम में जाता है, क्योंकि ये जो हमने नाम दिया ना पैरा पैरोटिड ग्लैंड, ये एक्चुअली दो जो है नामों की, यानी कि डिवीजन है, पैरोटिड ग्लैंड मींस पैरा और अलग है ऑर्टिक, ये दो लफ्ज है पैरा ऑर्टिक ग्लैंड, ठीक है, तो इसलिए हमने ऑर्टिक का वर्ड यहाँ यूज किया। ऑर्टिक जो है वो इसी ग्लैंड से रिलेटेड है, ऑर्टिक गैंग्लियन पे पहुंचा, गैंग्लियन क्या होता है, जो क्लस्टर ऑफ दी सेल बॉडीज, वहां तक पहुंचा और वहां से आगे एक नर्व के थ्रू, यानी कि ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू, क्योंकि ऑरिक्यूलर मींस के वो जो ईयर के अंदर जा रही है, तो हमारा वो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीडियस थोड़ा सा आगे ही प्रेजेंट है हमारा ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, तो इसलिए ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व वहां से जो है वो एंटर हो गया इनटू दी आर पिरामिड शेप्ड ग्लैंड व्हिच इज पैरोटिड ग्लैंड। तो ये पाथवे जिसको याद रह जाएगा, आई थिंक उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, पोन्स, इन्फीरियर सिलाइवेटरी न्यूक्लियस, ग्लोसोफरिंजियल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच, टेम्पोरल प्लेक्सस, लेसर पेट्रोसल नर्व, ऑर्टिक गैंग्लियन, ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व, एंड द लास्ट इज पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, बेसिकली जो नर्व सप्लाई है उसके तीन है पाथवेज हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड सेंसरी। तो जो मैंने अभी, ये जो आप लोग अभी बताया, इट वॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, जो अभी मैंने सारी सप्लाई आपको बताई है ना, ये पैरासिम्पैथेटिक थी। अब हम बात कर लेते हैं सिंपैथेटिक की। तो सिंपैथेटिक की भी तीन तरह की मतलब सप्लाई है, एक होती है वेसोमोटर सप्लाई, एक उसकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू T1 के थ्रू, और एक होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, जो सप्लाई करती है। और सेंसरी नर्व जो हमारे पास वो एक ही है, जो अभी हमने ऊपर बात की कि ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई कर रही है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा पैरोटिड फेशिया है, आपको पता है हमारे डीप फेशिया, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखे भी, तो मैंने उसके इंट्रोडक्शन में भी फेशिया के बारे में बताया कि हमारे पास एक सुपरफिशियल फेशिया है, डीप फेशिया, डीप का नाम हम लोगों ने पैरोटिड फेशिया भी रखा, तो उसको कौन सप्लाई कर रहा है, ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व, ठीक है, तो ये उसकी सेंसरी नर्व है जिसको सप्लाई करी है। तो अभी तक ब्लड सप्लाई देख ली, नर्व सप्लाई देख ली, अब हम जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, विच इज दी लिम्फ ड्रेनेज, ठीक है। तो लिम्फ ड्रेनेज पैरोटिड ग्लैंड की कौन कर रहा होता है, हमारे जो लिम्फ नोड्स है, ठीक है, पैरोटिड नोड्स है, वहां पे जाएगा और आखिर में अपर डीप सर्वाइकल नोड्स तक पहुंचेगा, ठीक है, और वहां जाके फिर उसकी ड्रेनेज हो जाएगी, मोस्टली इंटरजुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ही ड्रेनेज होती है। सो ये आज की वीडियो का टॉपिक था, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द लिम्फ ड्रेनेज, और आगे इंशाल्लाह द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द लास्ट टॉपिक, जिसके बाद हमारा ये ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा, पैरोटिड डक्ट्स, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, स्टेंसन्स डक्ट जिसको कहते हैं। सो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट विद अदर्स एज वेल, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दिया करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।